हीना रंग लाती है, हीना रंग लाती है इन पत्थरों पे घिस जाने के बाद, लेकिन चित्तौड़गढ़ याद आता है यहाँ से चले जाने के बाद। और ये सामने जो देख रहे ना, वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने पड़ाव डाला था। राणा प्रताप ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं अकबर के अधीन से इस चित्तौड़गढ़ को आजाद नहीं कर रहता हूँ तो मैं इस किले में प्रवेश नहीं करूंगा, मेलों में नहीं रहूंगा, सोने चांदी के बर्तन में खाना नहीं खाऊंगा। घास के ऊपर सोना पसंद किया, घास का रोटी खाना पसंद किया, लेकिन दुश्मन के सामने कभी सिर झुकाना पसंद नहीं किया। तो आजादी के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री हुए थे श्रीमान जवाहरलाल नेहरू। जब उन्होंने इनको कस्मित हुआ कि इस किले में प्रवेश करवाया, तब आर्कोलॉजी सेंटर गवर्नमेंट द्वारा वीआईपी गेस्ट को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहानी लिखी किस आधार से समझाया हम उसको पद्मिनी को कैसे दिखाया गया था, तो उस समय में वहाँ पे आईने लगवाए गए थे। जब बंसाली जी ने फिल्म बनाई थी पद्मावत, क्यों करनी सेना वालों ने पे दबाव डाला। जो राजपूत लेडीज जिंदा आग में जलना पसंद करती थी वो कभी अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करते थी, और जो राजपूत मारने मरने पर तुले हुए थे वो इतने बुजदिल नहीं थे कि अलाउद्दीन खिलजी को 6 महीने तक चित्तौड़गढ़ में पड़ाव डाल दे। अगर 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ में पड़ाव डालता है तो 6 महीने के लिए दिल्ली की राजधानी एकदम सीधी पड़ी रहती है, कोई भी उसके ऊपर आक्रमण करके उस राजधानी को अपने कब्जे में कर सकता है। इसीलिए जो हकीकत कहानी है वो आप इतिहास में लिखो, कहीं बताओ भाई ओरिजिनल राजपूतों की कहानी क्या रही, कि राजपूत खून जो है ना मर सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता। जो टेंपल आप विजिट करने के लिए जा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं 7-20 देव। 7 और 20 यानी 27 टेंपल इसके अंदर बने हुए हैं, जिसमें 24 टेंपल्स स्मॉल है, 3 टेंपल बिग है। तो पीछे वाले मंदिर में पूजा पाठ होने के बाद बंद हो जाता है, सामने के जो मंदिर है सारे खुल जाते हैं। ये है जैन मंदिर, क्यों हमारे मेवाड़ के जितने भी दीवान होते हैं ना, मतलब दीवान तो मेन तो एकलिंगनाथ थे, जो मनी जो मेंटेनेंस रखते थे मैनेजर वो जैन लोग होते थे, तो ये जेलों को बंदी बना हुआ है। अभी अपन जो दो टेंपल विजिट करने के लिए आए, सबसे पहले जो टेंपल आप देखते हैं, अगर आपने जगन्नाथपुरी सोमनाथ एंड कोड़ा के सूर्य टेंपल देखे हो, सेम टू कल्चर्स। इस मंदिर का निर्माण 734 के अंदर बप्पा रावल ने करवाया था। अच्छा, उस जमाने में इस मंदिर को नाम दिया गया था सूर्य टेंपल। तो टॉप में भगवान सूर्य की मूर्ति आपको देखने को मिलती है, लेकिन इसको चेंजिंग करने पर इस मंदिर को नाम दिया गया था वराह टेंपल, भगवान विष्णु का जो द्वितीय अवतार होता वराह, वराह की मूर्ति इसके अंदर स्थापना की गई थी। लेकिन बताते हैं दिल्ली के बादशाह के हमले में जब यहाँ का मूर्ति तोड़ डाला, तो सेकेंड पीरियड में 1448 में महाराणा कुंभा ने इस टेंपल को जीनी द्वार करवा के मीरा की भक्ति को देखते हुए इसके अंदर राधा कृष्ण एंड बलराम की स्थापना करवाई, तभी से इसको हम बोलते हैं कुंभ श्याम टेम्पल। विजिट करेंगे
ये वही टेम्पल है जहाँ मीरा भगवान कृष्ण ने पूजा करती थी। लेकिन मीरा जी का नसीब इतना खराब था कि कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। तो इनके जो देवर थे विक्रमादित्य, उन्होंने मीरा से बोला भाई आपको आपके पति के साथ सत्य होना पड़ेगा। तो मीरा जी ने कहा भाई मैंने कभी मेरे पति को पति नहीं माना है और मेरे पति ने कभी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो मेरा जो कुछ भी है कृष्ण गोपाला मदन गोपाला, काफ़ी समझाने पर मीरा नहीं मानती है। तो कहा जाता है मीरा जी को इसी मंदिर में जहर दिया जाता है, शरद पूर्णिमा आती है उस वक्त मंदिरों के अंदर साबूदाना की खीर बनाई जाती है, उस खीर के अंदर मीरा जी को पौजे में लगा दिया जाता है। मीरा कहती है एरे गिरधन पहला आप पी लो बाद में मैं पी लूँगी। तो भगवान कृष्ण की भक्ति उसको अमृत में बदल देती है। मीरा जी को जो प्रसंग है यार, तो मीरा अपने कृष्ण गोपाल को लेके चित्तौड़ छोड़ के चल पड़ी। बोलती मीरा जब चित्तौड़ छोड़ के जा रही थी तो चित्तौड़ में काफ़ी उथल पुथल होने लगे। मीरा के बारे में बताते हैं कि मीरा बाई गुजरात द्वारिका के मंदिर में उनको जाते हुए सबने देखा लेकिन आते हुए किसी ने देखा। तो मंदिर के अंदर भी वीडियोग्राफी अलाउड था और ज़्यादातर यहाँ की सारी मंदिरों के अंदर आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, ये अच्छा लगा यहाँ। मतलब गजब यहाँ से नज़ारे हैं नीचे का, है ना, इसीलिए किला पहाड़ के ऊपर बनाया जाता था कि पूरी जनता हमारे नीचे रहे। हाँ अभी अपन जो जगह विजिट करने के लिए आए हैं यहाँ पे अपने को चार मोनोपॉइंट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है राजस्थान वर्ल्ड फेम टावर, टावर ऑफ द विक्ट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि मेवाड़ के जो राणा होते हैं महाराणा कुंभा, उन्होंने अपने राज्य काल के अंदर दो राज्य के ऊपर विजय प्राप्ति की थी, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। मध्य प्रदेश के अंदर सुल्तान मोहम्मद खिलजी व अहमदाबाद के अंदर अहमद कुतुबुद्दीन को हराया था। दो राज्य के ऊपर विजय पाने की खुशी में अपनी विजय को यादगार रखने के लिए उन्होंने इस विजय स्तंभ का निर्माण किया। 1448 में इसका नींव रखा था, 1458 में ये कम्प्लीट हुआ। इसको बनने में 10 साल लगा और उस जमाने में 90 लाख रुपए इसके अंदर खर्च आया। 122 फुट लंबा टावर है, 37 मीटर में बना हुआ है, 9 मंजिल में रखा गया है और भगवान शिव के डमरू के आकार में इस टावर को इसको बनाया गया है। देखिए ये नीचे से चौड़ा है, बीच में से पतला है, फिर ऊपर जाने के बाद चौड़ा है। और इसी टावर से जुड़ा हुआ फील्ड है, सामने ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है जौहर स्थल। तो ये उस जमाने का रॉयल फैमिली शमशान घाट भी है और जौहर स्थल भी है। इससे जुड़ा हुआ एक मंदिर है अपने मध्य प्रदेश में मांडव है। मांडव के जो राजा होते भोजराज पंवार, वो जब चित्तौड़गढ़ अपनी मेहमानदारी पे आए थे तो अपनी मेहमानदारी को यादगार रखने के लिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 11वीं शताब्दी के अंदर। इस मंदिर के अंदर भैया एक ही पत्थर के ऊपर 9 फीट लंबा मूर्ति है जिसमें भगवान शिव के 3 रूप हैं, वर्मा विष्णु महेश। अंदर की जो मूर्त आप देखोगे, दूर से देखोगे तो एकदम भाविक दिखाई देगी और नजदीक से देखोगे तो मुस्कुराती हुई दिखाई देगी। इधर में एक लेक है जिस लेक को हम बोलते हैं गोमुख। गोमुख इसलिए बोलते हैं वहाँ पे दो गाय के पत्थर के मुंह लगे हुए हैं, उसमें से 1200 वर्ष से लगातार एकदम स्पिन मिलर वाटर आता है। पानी कहाँ से आता है किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं, अभी भी आता है। हाँ जी बोलते हैं चार धाम की यात्रा करो या उस गोमुख का जल लेके अपने सिर पे डालो, बराबर नेत्र दिया जाता है। तो किसी संतों ने उस लेक के बारे में लिखा है कि गोमुख जरे कि गोमुख जरे झरना पड़े पड़े नरबे नाथ की ठोर, करोड़ करोड़ युग युग तक तपस्या करे जब पावे जय चित्तौड़। यानी काफ़ी तपस्या करने के बाद हमें यह पवित्र भूमि छूने को मिलती है। आई मोहम्मद गजनी का नाम सुना होगा जिन्होंने अपने सोमनाथ पे 16 बार आक्रमण किया। 17वीं बार जब उनको विजय प्राप्ति हुई तो वहाँ से हीरे जवाहरात पन्ना सारे लूट के ले गए। तो बाद के बादशाह जो राजा हुए इन सबको लालच हुआ हिंदू धर्म वाले मंदिरों में सोना छुपा हुआ है। तो जहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया वहाँ वहाँ पे अपने हिंदू धर्म के मंदिर नष्ट किए गए। लेकिन चित्तौड़गढ़ के अंदर उनको पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं मिला। इसका कारण क्या है, यहाँ के जो राजपूत थे ना खड्डा खोद के पैसा उसमें दबा के ऊपर भगवान की स्थापना कर देते हैं। अच्छा अच्छा। तो खजाना
दबाई रहेगा। सामने जो रूम देख रहे हैं ना, उसी रूम के अंदर जो गाय के स्टोन के मुंह लगे हुए हैं, उसमें से 1200 वर्ष से लगातार पानी आता है। ग्राउंड आप देखें, इसको माना जाता है जौहर स्थल। सामने बोर्ड लगा हुआ है जौहर स्थल, यहीं पे साल में एक बार जौहर मेला लगता है। अपने होली के बाद एकादशी 11 साथी है, तो बीच में छोटा सा हवन बना हुआ है, जो अभी परजन में जाके राणा है महाराणा महेंद्र सिंह और अरविंद सिंह जो उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं, वो साल में एक बार यहाँ पे आते हैं। उस पीरियड में यहाँ पे कम से कम 5000 राजपूतों के खेती होते हैं। और जिस रानी ने जौहर किया, जो रानी अपने पति के साथ सती हुई, उसकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए हवन पूजा पाठ किया जाता है। और जिस रानी ने जौहर किया, जो रानी अपने पति के साथ सती हुई, उसकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए हवन पूजा पाठ किया जाता है। दैट इज बॉट ऑफ द जौहर स्थल। ये सेनापति मेहता जयमल पत्ता हवेली, ये इतने वीर सेनापति थे जिनके सिर कटने के बाद भी अपने हाथों से तलवार नहीं छोड़ा। इनका नाम था जयमल राठौड़ एंड कल्ला राठौड़, काका और भतीजा दोनों। सिर कटने के बाद भतीजे ने अपने काका को कंधे में बिठाया और विष्णु का जो अवतार होता है, चारों हाथों से तलवार से लड़ते हुए नीचे तक पहुंच गए। और इनके अंतिम जो सांसें निकली, अपने डूंगरपुर के पास में एक गांव है जहाँ पे एक रेखा कुंवर की लेडीज रहती थी, उससे साथ उनकी शादी होने वाली थी। तो वहाँ पे बिना धड़ के तलवार से साथ पे रखाए और वहीं पे उनकी डेथ हो गई, और उनकी पत्नी उन्हीं के साथ वहीं पे सती हो गई। जय मां कंकाली। ये जो 7 स्टेट है देख रहे हैं, ये सूर्य भगवान को दर्शाते हैं कि उनके सवारी में 7 घोड़े होते हैं, उसको यहाँ पे दर्शाया गया, दिखाया गया। और ये कालिका माता मंदिर है जहाँ पे फोटो अलाउ नहीं हुई। बैटलफील्ड है ये? हाँ, ये पूरा लड़ाई का मैदान है। वहाँ से दिखाता मैं आपको मेन गेट से, वो जो टावर दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे इसका मेन गेट है। ये इसलिए लगवाया जाता था कि एलिफेंट बैठ के ताकत ना लगा पाए। अच्छा। लेकिन दुश्मन को जब गेट तोड़ना होता ना, तो आगे में केमन को खड़ा करते थे, फिर एलिफेंट से पावर लगवाते थे, तो किले जो होते थे वो केमन को लग जाते थे और फिर वो गद्दीदार हो जाता था, उसके बाद ही गेट तोड़ते थे। अभी बनाया गया उसके बाद में रिपेयरिंग हुआ है महाराणा फतेह सिंह द्वारा। और ये सामने जो देख रहे ना, वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने पड़ाव डाला था, और इसी रास्ते से वापस अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ पे, इसी रास्ते से दिखाने के लिए। अच्छा, खिलजी इसी रास्ते से आया था और इसी रास्ते से वापस उनको छोड़ने के लिए गए थे, तब उनको नीचे बंदी बनाया गया, बंदी बना लिया गया था। रानी को देखने के लिए नहीं, उसने कहा भाई मैं तुमसे हार चुका हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा हाँ, भाई मैं आपसे हार चुका हूँ, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि एक बार मैं आपका ये किला भ्रमण करना चाहता हूँ। उस पीरियड में उनको एक मेहमानदारी के तौर पे किले में लाया गया, लेकिन उसके पीछे राज था वही रानी को देखना। पर रानी तो उसको मिली नहीं। देखेगा, ये छोटा सा गाँव बसा हुआ है इसी गेट के नाम से, सूरजपुर गाँव। पहले गेट जो बने हुए थे ऐसे बने हुए थे, देखो कितने अलग अलग पत्थर, एक एक पत्थर को जोड़ जोड़ के। तो भैया सुनो, इस चित्तौड़गढ़ के बारे में मैंने लिखा है कि हीना रंग लाती है, कि हीना रंग लाती है इन पत्थरों पे घिस जाने के बाद, लेकिन चित्तौड़गढ़ याद आता है यहाँ से चले जाने के बाद। क्या लिखा है आपने, बहुत अच्छा लिखा है। वैसे मैं आपको अपना परिचय भी दे देता हूँ कि मेहंदी रंग लाती है, कि मेहंदी रंग लाती है इन हथेलियों पे सूख जाने के बाद, लेकिन अशोक कुमार गाइड याद आएगा आप दोनों से बिछड़ जाने के बाद। क्या क्या लिखा है आपने, शायर भी हैं गाइड भी हैं,
नहीं तो एक एक चीज और सर, कि जिंदे रहे कि जिंदे रहे तो हम बार बार मिल जाएंगे, सही बात, और कभी मर गए तो तस्वीरों में मिल जाएंगे। सही बात, सही बात, ये तो तस्वीर बहुत लोग देखेंगे। नीचे भी जाना है? नहीं नीचे नहीं, हमारे पीछे है ये चित्तौड़गढ़ किले का मेन एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट है, और अलाउद्दीन खिलजी यहीं से इंटर हुआ था, और ये रहा वो रास्ता जहाँ से चढ़ के ऊपर गया था, और जो बैटल हुई थी वो इस क्षेत्र में हुई थी। मैं एक अपने दोस्त से मिलाना चाहता हूँ जो ये मेरे तरह ही राजस्थान को पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और ये मेरे दोस्त हैं, मतलब यहाँ मिले हैं और दोस्त बने हैं। तो आपका नाम सर? सर मेरा नाम है अनमोल भटनागर। अच्छा, ये अनमोल भटनागर है, कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ EIL इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में। अच्छा अच्छा, और मैं भी अभी अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं भी अभी पिछले से पहले 3 दिन उदयपुर में था, उसके बाद मेरा एक प्लान चित्तौड़गढ़ का बना, तो मुझे आपके मिले, आपके साथ पूरा जर्नी अच्छा रहा। तो हम लोग साथ में ही पूरा चित्तौड़गढ़ एक्सप्लोर किए हैं, और इस पूरी वीडियो में ये मेरे साथ है, हम लोग साथ ही घूमे हैं। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो थैंक यू, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। और मेरा यहाँ से अगला जो डेस्टिनेशन है वो उदयपुर है, तो 5वां दिन उदयपुर। ओके, थैंक यू।